माँ, अब आप ही गुड्डू जी को हमारे पास वापस लाने का रास्ता दिखाइए। उनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। सच कहे तो सारी गलती हमारे माँ बाप की। उन्होंने पिता होते समय हमें ये सब सिखाया कि अपने पति को अपने वश में रखना चाहिए, उस पर अपना हुकुम चलाना चाहिए। पर अब हम जान गए ये सब करने से सब कुछ बिखर जाता। अगर पति का साथ चाहिए तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। शर्मीली बेटा, तुम हमारी सुनो, दूसरी शादी कर लो। दादी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो बेटा, गुड्डू दिखाता नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता है। तुम्हारी दूसरी शादी की खबर सुनेगा ना तो उसे सहन नहीं होगा, दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पीछे आएगा। अंकुर, उसकी गाड़ी का ये कोई टाइम है किसी के घर आने का? जब देखो परेशान करने चले आते हो। अरे परेशान तो आपके लाडले ने किया हमें। सच सच बताइए, अंकुर कहाँ है अभी? तेरे इस समय तुम भाई आप कुछ नहीं बोलेगा बीच में। मुझे बस इतना जानना है कि अंकुर कहाँ, उसकी गाड़ी का हमें क्या पता। धैर्य बाबू, जी क्या कर रहे हैं आप? अंकुर कहाँ, जल्दी बताइए, वरना ये जान से जाएगी। धैर्य, ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, सामने बताइएगा, बोल दे रहा हूं मैं। अंकुर कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ, ये बताइए मुझे। जी क्या, ये क्या कर रहे हैं आप? हम स्वीटी बाबू को छोड़ दीजिए भैया। सब लोग मुंह क्या देख रहे हैं? बचाइए हमारी बहन को, मार डालेगा वो। कोई पास नहीं आएगा। मैडम जी, अंकुर क्या हुआ इसे? मैडम वो इनके दोस्त गाड़ी में लेकर आए ने और घर के बाहर ही छोड़ दिए। और इसकी गाड़ी? पता नहीं सर। कहाँ है तेरी गाड़ी? बता तेरी गाड़ी कहाँ? अरे बता तेरी गाड़ी कहाँ? कोई मुझे याद नहीं लगाएगा। आंखें खोल, बता तेरी गाड़ी कहाँ है? अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पिएंगे, हम तो देसी है, देसी पिएंगे। ले, तेरे लिए भी है, आज मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू। अरे शाम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, अरे चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।